दोस्तों, यदि आपके फ़ोन की स्टोरेज समस्या है, यदि कि यहाँ पर देख सकते हैं 128 GB का इंटरनल है और यहाँ पे 127 GB जो कि फुल हो चुका है, जबकि मैंने इतना इसमें फोटो वीडियो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑडियो है, 721 वीडियो, वो भी छोटा छोटा साइज, यहाँ पे देखिए 17,000 फोटो है, फिर भी आप 128 GB में, यहाँ पे 128 GB एक्चुअल में जो कंटेंट है वो नहीं है, फिर भी हमारा यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है फुल। तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो को पूरा बने रहेगा। बहुत लोग सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा दो तीन ट्रिक जिसके मदद से आप अपनी स्टोरेज को पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जो एक्चुअल में आपके फ़ोन में है वही रहेगा बिना किसी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन बिल्कुल वर्क नहीं करता है, एप्लीकेशन फेक होता है, एप्लीकेशन से सिर्फ जो कि स्टोरेज बस क्लियर होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर पूरा स्टोरेज भर जाता है, वो कैश भी डिलीट उससे होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है, तो वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, मैं सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब, बस ये दो काम आप जरूर कर दीजिएगा प्लीज। इतना काम करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर को ओपन करना है, यहाँ पर फाइल मैनेजर इसको ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 127 GB है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, 127 GB जहाँ लिखा हुआ था इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या सबसे ज़्यादा मतलब GB लिया। यहाँ पर इमेज 36 GB है, और हाइएस्ट बात करें तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन है जो कि 44 GB है। तो आपको एप्लीकेशन वाले पे बटन पर क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज कौन सी एप्लीकेशन ली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टोरेज कौन सी एप्लीकेशन ली है, आप यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सब, यहाँ पर सभी का दिखा रहा है MB। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज यूट्यूब ने लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 11.42 GB। अब आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब से सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन वहाँ पे सब कुछ, लेकिन फिर भी इतना स्टोरेज क्यों लिया है आप तुरंत, जो कि 11 GB जो कि यानी कि लगभग 12 GB अपना कम कर सकते हो। तो आप इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर हो जाता है, आपको इसको बिल्कुल क्लियर करना है। इसको क्लियर करने से कुछ भी आपको कहीं नहीं जाना है जाने वाला, क्योंकि यूट्यूब में कुछ है नहीं, यूट्यूब को आप ऑनलाइन बस वीडियो देखने के लिए यूज करते हैं। आप इसको ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो कि 12 GB यहाँ पर जो था वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्टोरेज अगर हम बैक जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 127 GB से सीधे डायरेक्ट जो है मतलब 127 से डायरेक्ट 116 GB हो गया। तो एक तरीका ये है। दूसरा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जो फोन स्टोरेज का लिखा है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे फोल्डर हैं जो बहुत ही ज़्यादा GB लिए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं MX शेयर, इससे क्या होता है वीडियो का एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मोर पे जाता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.2 GB 2-3 GB इसने लिया है। तो इसको आपको तुरंत जो कि इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी फोल्डर को देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टोरेज ले रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जो है कि स्टोरेज को सॉल्व कर सकते हैं, और मात्र एक यही तरीका है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।